गुलाबी नोटों के संकट से बढ़ा बैंकों और एटीएम में दबाव। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी माना संकट है या साजिश, जांच होगी। एटीएम से निराश लौट रहे लोग। बैंकों का खजाना खाली, नहीं खुल रहे एटीएम के शटर। जी हां, यह मजाक नहीं, कड़वी सच्चाई है। हालात नवंबर 2016 में लागू हुई नोटबंदी से भी खराब बनते नजर आ रहे हैं। उस समय बैंकों में पैसा जमा करने की होड़ थी, तो इस समय निकालने की। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मानते हैं नोटों को लेकर प्रदेश में संकट बढ़ा है। साजापुर के किसान सम्मेलन में प्रदेश के मुखिया ने माना था नोटबंदी के समय 15 लाख करोड़ रुपए चलन में थे, अब 16 लाख करोड़ रुपए चलन में है, फिर भी नोटों को लेकर संकट है। इसका मतलब है 2000 के नोटों का प्रचलन से बाहर हो जाना, या यूं कहे गुलाबी नोटों से कालाबाजारियों को प्यार हो गया है। इसका सीधा सा अर्थ है बैंकों से पैसे तो निकल रहे हैं, लेकिन वापस बैंक में जमा नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण रीवा शहर के लगभग 200 एटीएम में से ज्यादातर खाली हैं, या फिर उनके शटर गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से एटीएम में पैसा निकालने आ रहे लोग निराश होकर खाली हाथ लौट रहे हैं। बैंकों से पैसा निकालने की जो प्रमुख वजह सामने आ रही है, उनमें से एक है सरकार का वह फैसला जिसमें कहा गया था फाइनेंशियल रेजुलेशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल लाएगी, जिसमें बैंक के वित्तीय संकट में फंसने पर जमाकर्ताओं को महज 1 लाख रुपए ही वापस मिलने की बात थी। वहीं दूसरा कारण पीएनबी बैंक घोटाला, साथ ही शादी बारात का सीजन भी माना जा सकता है। कहा जा सकता है लोगों को 2000 के गुलाबी नोटों से प्यार हो गया है, वह उसे अपने पास सहेज कर रखना चाहते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, गैस की कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है, इस समय 15 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार में थे और आज 16.5 लाख करोड़ के नोट छाप के बाजार में भेजे गए हैं, लेकिन 2000 के नोट कहां जा रहे हैं, कौन दबा के रख रहा है, कौन गैस की कमी पैदा कर रहा है। मेरे बहनों और भाई, ये भी षड्यंत्र है ताकि दिक्कतें पैदा हो, और दिक्कतें पैदा होने के बाद फिर कोई ना कोई गड़बड़ कर दो। सरकार भी सख्ती से कार्रवाई करेगी, केंद्र से भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझ पर विश्वास है मेरे किसान भाइयों और बहनों, तो आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, दिन और रात आपके लिए हम काम करते हैं। 24 घंटे में से 18-18, 19-19 और 20-20 घंटे में मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ। इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के कभी सुख का अनुभव मैंने नहीं किया, कोई आनंद नहीं लिया, कोई विश्राम मैंने नहीं किया। मेरी तो जिंदगी आपके लिए है, जीऊंगा तो आपके लिए, और कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। परेशानियाँ अभी इस समय जब से लगन चालू हुआ है, मतलब बिल्डिंग, तब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोग एटीएम में जाते हैं तो लाइन लगे रहता है, और वहाँ जाते हैं तो एक बार में 500 रुपये आएगा, तो दूसरी बार फिर से निकलो 500 आएगा। इसी तरह सभी सिटी में छान रहा हूँ, अभी उधर से आ रहा हूँ, उधर लाइन लगी थी, वहाँ नहीं गए, फिर ये इधर आए, मतलब इधर इस साइड से आए, यहाँ देखे तो लाइन लगी, तो निकाल रहा हूँ, देखिए मिल जाता है कि नहीं मिलता है। 2000 का नोट भी है अंदर, यहाँ है 2000 का, जस्ट अभी मैंने निकाला है। बट मैम, दिस इज़ अ वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन फॉर द कस्टमर। मैडम, इन स्पाइट ऑफ द ऑल एटीएम व्हाट यू हैव इन द रीवा, बट अभी किसी में भी पैसे नहीं है, ये आम आदमी किधर पे जाएगा? आई डोंट नो, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एमपी ओनली और एवरीवेयर, बट आई एम रोमिंग अराउंड एवरीवेयर। इनफैक्ट दिस प्रॉब्लम विच आई एम नॉट फेसिंग इन महाराष्ट्र एनीवेयर, विच इज़ रियली, इट्स अ टफ सिचुएशन। एमपी में सबसे ज़्यादा है। नहीं, मुझे कल भोपाल में था, तो भोपाल में पैसा आराम से निकल रहा था, ये प्रॉब्लम सिर्फ रीवा की है। अभी मालूम नहीं इधर पे पैसे नहीं है, बट अभी एटीएम में आया और यहाँ पे 2 या 3 एटीएम से पैसा निकल रहा है। 10 एटीएम ढूंढ जा रहे, किसी में पैसा नहीं है। घोड़ा चौराहा में भी, सिविल लाइन में भी, हर जगह गया हूँ, लेकिन पैसा किधर भी नहीं। उस पर भी गया हूँ, ब्रांच के सामने उधर भी गया, उधर जो भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांच है उस पर भी पैसा नहीं। मैं 3 दिन हो गया परेशान हूँ पैसे के लिए, एक भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। बैंक में जाते हैं 40,000-50,000 ले लीजिए, बस हो गया। आपके घर में कोई फंक्शन है? फंक्शन मेरी बच्ची का शादी है, खुद जो मैं परेशान हूँ, सर्विस करता हूँ, पैसा मेरा बैंक में उसमें भी नहीं मिल पा रहा। मैं तो सेंटर कर्मचारी हूँ, लेकिन यहाँ के जो मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, तो मेरे भैया हैं, वो कल परसों तक बता रहे थे पेमेंट नहीं करिए, आज 15 तारीख हो गया। अब जो नौकरी के दम में है, बीवी बच्चे हैं, वो कैसे अपना बीवी बच्चे पालेगा, जब अपना सैलरी कट रही, टाइम से ना कुछ हो रहा है, एटीएम में लंबी लाइन है। कभी मैं सुबह खुद 6 बजे उठा हूँ, ये पूरा रीवा घूमाला कहीं पैसा नहीं मिला, पैसे नहीं मिल रहे ना इस एटीएम पे ना उस पर, तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है।
और ना तो 2000 के नोट मिले, 100-100 की नोट निकल रही थी। मोदी जी कुछ तो करिए, कम से कम देखिए इस एटीएम के हाल को। और ऐसे पूरे प्रॉपर पूरे रीवा पे सभी एटीएम ऐसे ही हैं।